सो हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। सो बच्चों, आज आपके लिए हम ला चुके हैं जो आपका 29 अप्रैल को पेपर होने वाला है नवोदय विद्यालय का, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ऐसे 10 प्रश्न आपको हम इस वीडियो में बताएंगे जो हर साल नवोदय पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, 3 के पहले 5 गुर्जों की सूची बनाएं। तो यहाँ पर 3 के गुर्जों की सूची बनाना है आपको, वो भी 5 गुर्ज। तो गुर्ज आपको अगर पता होगा, पढ़े होंगे इसके पहले वीडियो में, तो आपको गुर्ज जानते होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर गुर्ज आपको बताते हैं। गुर्ज मतलब होता है कि ऐसे 3 है, 3 का गुर्ज पूछ रहा है, तो उसमें जितनी गुड़ा करेंगे जितने का उतना उसका गुर्ज निकलेगा। इसमें 3 का गुड़ा 1 में करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, 3 का गुड़ा 1 में करेंगे 3 निकला। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे, ये 3 का दूसरा गुणा निकलेगा 6। 3 का गुणा 3 में करेंगे, ये 3 का तीसरा गुणा निकलेगा 9। 3 का गुणा 4 में फिर करेंगे, 3 का चौथा गुणा निकलेगा 12। फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे, फिर ये पांचवा गुणा। ये कितने गुणा झुके, 1, 2, 3, 4, 5। यही इसमें पूछ रहा था, 3 के पहले 5 यहाँ दिया है, पहले 5 यानी कि शुरू से लेके पहले 5। अगर पूछा होता 3 के गुणज, तो गुणज कोई भी 3 का हो सकता है। मतलब गुणज मतलब वो होता है जिससे कि 3 कट जाए। जैसे कि गुणज 3 का गुणज तो 18 भी है, क्योंकि 6 से 3 से कट जा रहा है 18 6 बार में, लेकिन 18 यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये बोला है पहले 5 यानी कि शुरू से लेके 5 अंक तक। तो लेके 5 अंक की देखिए होगी, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। ऐसे ही आप लोगों को गुणज यहाँ से फाइंड करना है। चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। 3, 6, 10, देखिए 10 है यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 1, 3 ये भी नहीं होगा। 3, 6, 9, 12, 15, देखिए इसमें सब दिया है 3, 6, 9, 12, 15, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। बस ऐसे ही आप लोगों को नवोदय के पेपर में ऐसे ही करके आपको आना है, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। हम यहाँ पर 10 प्रश्न बताएंगे और वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग कृपया ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए दूसरा प्रश्न है, राम ने 7 के पहले 4 गुर्जों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया है, कौन सा गलत है। यानी कि एक राम नाम का लड़का, उसने 7 के पहले 4 गुर्जों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया। देखिए कौन सा है, 7, 14, 22 और 28 इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, क्योंकि इसमें कुछ गलत भरा होगा। अब आप लोग 7 के गुर्ज निकालिए, चलिए 7 के गुर्ज निकालते हैं। 7 × 1 बराबर आपका आएगा 7, 7 × 2 बराबर आएगा 14, 7 × 3 बराबर आएगा 21, 7 × 4 बराबर आएगा 28। तो आपका 7 का गुणज क्या निकला, 7, 14, 21, 28। और इसमें राम ने क्या रखा है, 7 रखा है सही है, 14 रखा है सही है, लेकिन 22 रख दिया। यानी कि यहाँ पे 22 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 21। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत होगा, ये यानी कि आपका गलत है। देखिए पूछ रहा था कि कौन सा गलत था, आपको बताना है यानी कौन सा गलत था। 22 यहाँ नहीं बनाएगा, यानी कि हमारा 22 यहाँ से गलत था, तो क्या टिक लगेगा, 22 पे टिक यहाँ से लग जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। चलिए यहाँ तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा या आपने बुक रीड किया होगा, सबसे एकमात्र सम अभाज्य संख्या आपकी, सबसे प्राइम नंबर आपका होता है 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, सिर्फ 2 ही होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन होगा 2। आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह हर साल नवोदय विद्यालय के पेपर में हर साल पूछा जाता है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में हर साल यह प्रश्न आता है। तो यह प्रश्न एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कृपया करके इसको याद कर लीजिएगा एंड इसका परिभाषा भी आप लोग याद कर सकते हैं। एंड अदर वीडियो अगर आप लोग को देखना है, तो हमने नवोदय विद्यालय के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाकर उस प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। आप लोगों को जो भी डाउट होगा, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक लाइक कर दीजिएगा एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर चौथे की तरफ यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, 8 के प्रथम 5 गुर्जों की सूची बनाइए। यहाँ पर आपको 8 का 5 प्रथम 5 गुर्ज यहाँ से आपको बनाना है। चलिए 8 का प्रथम 5 गुर्ज बनाते हैं। सबसे पहले 8 × 1 लिखेंगे, हो जाएगा 8। फिर 8 × 2 लिखेंगे, हो जाएगा 16।
फिर 8 × 3 लिखेंगे हो जाएगा 24, फिर 8 × 4 लिखेंगे हो जाएगा 32, फिर 8 × 5 लिखेंगे हो जाएगा 40। ये हो गए 8 के प्रथम 5 गुणज। अब ये पांचों देखिए किस विकल्प में है, वो विकल्प यहाँ सही होगा। देखिए 1, 2, 4, 8, ये तो 4 ही है, यानी कि ये विकल्प गलत होगा। 8, 16, 25 है, देखिए 25 ही आने हैं चाहिए, ये भी यानी कि गलत है। तीसरा देखते हैं 8, 16, 24, 32, 40, देखिए तीसरा वाला एकदम सेम निकला, यानी कि तीसरा विकल्प हमारा यहाँ से सही होगा ऐसे। तो आप लोगों को ऐसे ही करना नवोदय विद्यालय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। पांचवा प्रश्न है, 2 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। यहाँ पे आप लोग को 2 को बताना है, 2 एक अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या। अभी हमने पिछले प्रश्न में अभी आप लोगों को बताया है कि 2 एक अभाज्य संख्या है, और आप लोगों ने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बढ़िया से पढ़ा होगा तो आप लोगों को सब कुछ पता होगा। अगर आप लोगों को अभी तक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा नहीं याद है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम परिभाषा पे एक वीडियो बना देंगे। तो 2 एक आपका अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ से आप सब ए यहाँ से आपका सही होगा। छठा सवाल है, अगला गुणज क्या है, दिया है सवाल 12, 24, 36, 48। तो आप लोग को इसका अगला गुणज बताना है कि 12 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 48 है, तो इसका अगला गुणज क्या होगा। तो आप लोगों जैसा कि हम बताए थे 12 का गुणा देखिए, 1 में किया तो यहाँ से 12 आया है, फिर 2 में किया 24 आया है, 3 में किया 36 आया है, 4 में किया 48 आया है। अब 12 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, ये आपका कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं भी पता है फिर भी आप लोग आंसर दीजिएगा गलत सही, हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे। छठे का बहुत ही आसान है, आप लोगों से आशा है कि आप लोग इसका उत्तर सही देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए प्रश्न 7वां देखते हैं। 7वां सवाल है, 12 का 5वां गुणज क्या है। तो आप लोगों को 12 का 5वां गुणज बताना है। तो ऐसे ही आप लोगों को सवाल नवोदय विद्यालय में पूछ सकता है कि 18 का 7वां गुणज बताइए, 19 का 10वां गुणज बताइए, कुछ भी आपका पूछ सकता है। तो आप लोगों को आंसर यहाँ से आसानी से देना होगा। 12 का यहाँ कितना गुणज पूछा है, 5वां गुणज, तो 12 × 5 बराबर आएगा 60। यहाँ यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। बस ऐसे ही आप लोग को यहाँ से करना है, और जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप लोग को ध्यान से उसको नोट करते एंड याद करते चलना है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न नवोदय विद्यालय में एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो कृपया इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा। एंड कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। प्रश्न नंबर 8वां है, कौन सी संख्या 10 का गुणनखंड है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो ऐसा जब प्रश्न आया आप लोगों को तो आप लोगों को गुणनखंड निकालना ही आता होगा, एलसीएम निकालने, गुणनखंड निकालने, मर्शन निकालने, सब कुछ आपको आता ही होगा। अगर आप लोगों को ये सब निकालना नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या तो आपको आई बटन में मिल जाएगा और लिंक वीडियो का, आप लोग वीडियो को वॉच कर लीजिए, उस वीडियो में हमने एलसीएम वर्गमूल सब कुछ बताया है निकालना। चलिए इसका हल करते हैं, 10 का गुणनखंड पूछा है, 10 का आप लोग यहाँ से गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। 10 को 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। ये देखिए 10 का गुणनखंड क्या निकला, 2 और 5। अब इसमें ढूंढिए, या तो 2 मिल जाए या तो 5 मिल जाए। तो यहाँ पर 3 है, यानी 3 गुणनखंड नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 आपको मिल गया और 8 मिला, 8 10 का गुणनखंड नहीं होगा, तो इसमें 2 नहीं है तो आपका इसमें 5 है, तो यानी कि 5 10 का गुणनखंड होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका सही होगा। बस ऐसे ही आपको नवोदय विद्यालय में करना रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, कौन सी संख्या 21 का गुणनखंड है। तो आप लोगों को यहाँ पे 21 का गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए 21 का गुणनखंड यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 21 को छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, फिर 7 × 1 = 7। देखिए क्या 21 का गुणनखंड क्या निकला, 3 और 7। अब इसमें ढूंढिए 3 कहीं है, हाँ 3, देखिए ऑप्शन बी में 3 है, और 7 कहीं नहीं है, यानी कि आपका मिल गया 3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही होगा। बस ऐसे ही आप लोग को नवोदय विद्यालय के एग्जाम में भी आसानी से ऐसे करना है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर के, कोई भी दिक्कत नहीं। और चलिए लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां।
आप लोग का दसवां सवाल है, कौन सी सूची 18 के गुणनखंडों को सही ढंग से दर्शाती है। तो यहाँ से आपको सूची पूछ रहा है कि कौन सी सूची है जो 18 के गुणनखंडों को सही रूप से दर्शाती है। तो 18 का गुणनखंड आपका जानने के लिए सबसे पहले आपको 18 का गुणनखंड निकालना होगा। चलिए आपको 18 का गुणनखंड निकालना बताते हैं निकाल के। आप लोग को ये तो पता ही होगा कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या गुणनखंड एक हमेशा होता है, क्योंकि कोई भी संख्या हो वो एक से जरूर कटती है, तो एक उसका गुणनखंड हमेशा रहता है। तो 18 को सबसे पहले यहाँ से हम दो से काटेंगे, दो नवा 18, फिर दो तीन से हम काटेगा, तीन तरीका नौ, फिर तीन से तीन कम तीन, ये कट गया 18। अब 18 से कट गया तो इसमें क्या निकला, सबसे पहले यहाँ आपका एक निकलेगा क्योंकि एक से 18 हमेशा कटेगा, एक निकला, उसके बाद आपका दो निकला, उसके बाद तीन निकला, उसके बाद देखिए दो तिहाए 6, यानी कि 18 का एक गुणनखंड 6 भी होगा, उसके बाद 6 के बाद तीन तरीका 9 भी होगा, 9 से भी 18 कट जाएगा, एंड फिर 18 होगा, 18 से भी 18 कटेगा, ये होगा 18 का कुल गुणनखंड। अब ये देखिए किस विकल्प में है, यह तीसरे विकल्प में 1 2 3 6 9 18, यानी कि आपका दसवें का आपका सी विकल्प यहाँ से सही होगा। बस ऐसे ही आप लोग को नवोदय विद्यालय के पेपर में भी करना है, अगर आप लोग ऐसे ही करते हैं तो आप लोग को फुल नंबर पाएंगे एंड आप लोग को नवोदय विद्यालय में एडमिशन एकदम फिक्स है। सो बच्चों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन में एक होता है बेल आइकन, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो हम कोई भी वीडियो न्यू आप तक डालेंगे तो आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ऑन कर लेंगे तो नवोदय विद्यालय का पेपर चल रहा है, इस समय पेपर आने वाला है 29 अप्रैल को, तो हम डेली नवोदय विद्यालय का वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों तक वीडियो पहुँचता रहेगा। और आप लोग अभी एक महीना पेपर में बचा है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का एकदम नवोदय विद्यालय में एडमिशन फिक्स है। तो बच्चों मन लगा के पढ़िएगा, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।